जी यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र संख्या 23। ओम प्रभो महे मंद मानाय अंधसो अर्चा विश्वान राय विश्वाभुवे इंद्रस्य यस्य सुमुखं सहो महि श्रवणं नम च रोदसी सर्प सपर्यत। मंत्रार्थ, वो तुम्हारे मंद मानाए आनंद स्वरूप के लिए अंधसो अन्न प्राण का प्रकष्ट महि पूजते हैं। विश्वानराय सभी नरों के लिए, विश्वनायक सर्व प्रेरक के लिए, विश्वाभुवे सब भवनों के लिए अर्चा पूजते हैं। यस्य जिस इंद्रस्य परम ऐश्वर्यवान के सुमुखम सुंदर गति जान को सहो सहनशीलता सहन शक्ति तृप्ति सामर्थ्य को मही पूजते हैं। श्रवो श्रुति श्रवणशील नर्मणम नर नायक प्रेरक च और रोदसी रुदनशील प्रकाश देने वाले वाणी गतियुक्त सपर्यत पूजते हैं। भावार्थ, तुम्हारे आनंद स्वरूप के लिए अन्न प्राण का प्रकष्ट पूजते हैं। सभी नरों के लिए, विश्व नायक सर्व प्रेरक के लिए, सब भुवनों के लिए पूजते हैं। जिस परम ऐश्वर्यवान के सुंदर गति ज्ञान को सहनशीलता सहन शक्ति तृप्ति सामर्थ्य को पूजते हैं। श्रुति श्रवणशील नर नायक प्रेरक च और उदनशील प्रकाश देने वाले वाणी गतियुक्त पूजते हैं। परमात्मा के विभिन्न गुणों स्वरूपों का वर्णन करते हुए पूजन सम्मान की भावना व्यक्त की गई है। निरुक्त मंद मानाए मंद धातु आनंद करना स्तुति करना तुष्ट करना प्रकाशित होना अंधसो अन्न धातु प्राण होना चेतन होना जीवन होना महे मह धातु महत्व होना सम्मान करना सत्कार करना विश्वानराय विश्व सर्वनाम निर धातु का अर्थ ले जाना विश्वाभुवे में विश्व सर्वनाम भू का अर्थ होना अर्चा में अर्च धातु अर्चन करना पूजा करना पूजन करना इंद्रस्य में इंद्र धातु परमेश्वर्यवान होना सुमखम शुभ सर्ग मख धातु गति करना जाना सहो में सह धातु सहन करना समर्थ होना तृप्त होना प्रसन्न होना श्रुवो में श्रु धातु सुनना नर्मणम में नीर धातु ले जाना रोदसी में रुद्ध धातु रोना रुलाना सपर्यत में सपर धातु पूजा करना। ओम खम्ब्रम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 23। ओम प्रभो महे मंद मानाय अंधसो अर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे इंद्रस्य यस्य सुमुखं सहो महि श्रवो नृम्णं च रोदसी सपर्यतः। विविध रूपों में परमेश्वर की स्तुति, विभिन्न गुणों का वर्णन कीर्तन और दूसरे रूप में इन गुणों को धारण करने वाले उपासकों सज्जन विद्वान देवजनों का पूजन सेवन सत्कार करने की भावना इस मंत्र में व्यक्त की जा रही है। प्रभो महे मंद मानाय, प्रातः उपसर्ग है प्रकृष्ट बहुत अधिक, वो तुम्हारा तुम्हारे लिए भी अर्थ हो सकता है। महे के महे का अर्थ हो सकता है महत्व के लिए या पूजन के लिए भी। मह धातु है, इसका अर्थ महत्व होना सेवा पूजन सत्कार करना आदि होता है। तो महे शब्द में
इसको हम क्रिया के रूप में ग्रहण करेंगे तो महे का अर्थ हुआ महत्व देते हैं, सत्कार करते हैं, क्रिया हो गई ना, उसको पूजन करना कहते हैं, वो महत्व देना, सत्कार करना, सेवा करना, सम्मान करना, इसी अर्थ में आता है, मैं धातु का यही अर्थ है। तो महे का अर्थ हो गया हम आपको महत्व देते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। और महे को इस मंत्र के अर्थ में हो सकता है कहीं आपको ऐसा भी मिला हो, महत्व के लिए, महानता के लिए, चतुर्थी एक वचन का स्वरूप भी इसमें माना जा सकता है। एक सहज व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही भाव ठीक हैं। तुम कह सकते हैं महे सम्मान सत्कार करते हैं, या महे महत्ता के लिए, महानता के लिए, या आप जैसे महान के लिए, यह अर्थ भी हो सकता है महान के लिए, और महत्व पूजन सम्मान सत्कार करते हैं क्रिया के रूप में, दोनों अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। यह पूरे मंत्र के अर्थ को देखते हुए जो हमें उपयुक्त लगे दोनों ही ठीक है। मंदमानाय, मंदमान के लिए, मंदमान अर्थात आनंद युक्त, आनंद स्वरूप के लिए, मंद धातु है, आनंद करना उसका मुख्य अर्थ है, स्तुत करना, प्रकाशित होना भी अर्थ है। तो मंदमान आए, आनंदमय, प्रकाशमान के लिए, अंधसो, इस अंधस शब्द को थोड़ा गंभीरता से समझना चाहिए हमें। सहज भाव से अंधस शब्द को देखते ही जो अर्थ मन में आता है वो है अंधकार का, अंधसा अंधकार, वह अर्थ भी ठीक है, अनुचित नहीं है, असत्य नहीं है, सत्य है, परंतु सर्वत्र उसका वही अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता। आप विभिन्न विद्वानों के भाष्य देखेंगे, अंधस का अर्थ बहुधा अन्य किया गया, प्राण भी किया गया है, ये क्यों और कैसे किया जा सकता है इसे समझ, महत्वपूर्ण है, भ्रम नहीं होना चाहिए। अंधातु है, अंधातु का अर्थ है प्राण होना, श्वास प्रश्वास चलना, श्वास लेना, जीवन धारण करना, अंधातु का अर्थ, इसी अंधातु से प्रा उपसर्ग लगा तो प्राण बन गया। संस्कृत और वैदिक भाषा में ना ओड़ा तो बहुत अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, वेदायन है, सूक्तायन है, लेकिन रामायण है, ये अयन ही है। राम में रा था, रा शा तवर्ग के ये वर्ण आते हैं तो नाकार हो जाता, रामायण हो गया। तो प्रा उपसर्ग लगा अन्न में तो प्राण हो गया। अब आपने सुना होगा पांच प्रकार के प्राण कहे जाते हैं, तो उनको भी देख ले तो और स्पष्ट हो जाएगा। अन्न में प्रा लगा तो प्राण हो गया, अप लगा, अप उपसर्ग जुड़ा तो अपान हो गया, बी उपसर्ग लगा तो ज्ञान हो गया, सम उपसर्ग लगा तो समान हो गया। तो मुख जो धातु है वो अन है, इसमें उपसर्ग लगते गए और विभिन्न शब्द बनते गए, प्रा में तो प्रा अन प्राण हुआ, और ज्ञान अपान उदान समान उपसर्ग के अनुसार अन जुड़ा तो अन रहा। अब ना करना संस्कृत व्याकरण के अपने कुछ नियम है, हो गया।
सहज भाव से हमें इतना, हमारा यहाँ शब्द है अंधसो, तो यहाँ बताने का उद्देश्य था अन्य धातु यहाँ पर है जिसका अर्थ प्राण होना, जीवन होना है, तो अंधसो इस अन्य प्राण को कह सकते हैं, इस प्राण को जीवन को धारण करने वाले प्राणवान अंधस का अर्थ हो गया। हमारा जीवन प्राण किससे चलता है? भोजन से, अन्न से, तो अंधस का अर्थ अन्न भी किया गया है। अब स्वयं अन्न शब्द को देख लें, ये अन्न शब्द बना कैसे? अन्न शब्द में भी धातु अन्न ही है, प्राण होना, जीवन होना, उसी में ये जो ना दिख रहा है ये प्रत्यय है। तो अन्न में भी धातु अन्न है, प्राण होना, जीवन होना, अंध में भी धातु अन्न है, प्राण होना, जीवन होना, तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि अन्न प्राण ही इसका मुख्य अर्थ है। अन्न भी कह सकते हैं, प्राण भी कह सकते हैं, जीवन भी कह सकते हैं, अंधस का ये अर्थ भी उतना ही सत्य है जितना सहज भाव से आपको अंधकार प्रतीत हुआ होगा। यहाँ पर अंधकार का अर्थ है ही नहीं, वह प्रकरण वह विषय यहाँ है ही नहीं। तो प्रभो महे मंदमानाय अंधसो अर्चा विश्वा नराय विवाह विश्वा भुवे, अर्चा अर्चना करो, विश्वा नराय विश्व नर के लिए, संकीर्ण दृष्टि वाले नर के लिए नहीं, केवल मैं मेरा करने वाले नर के नहीं, अर्चना हम किसके लिए करते हैं? विश्वा नराय, जो विश्व नर है, सबको ले जाने वाला है, सबके साथ चलने वाला है, वह विश्वा नराय विश्वा भुवे, जो सबके साथ होता है, विश्व सब सभी, विश्व हुए भू होना, जो सबके साथ होता है, सबको साथ ले चलता है, उस विश्वा नराय विश्वा हुए के लिए हम अर्चना करते हैं, करना ही चाहिए। ये सभी शब्द सभी गुण परमेश्वर के हैं और प्रकारांतर से परमेश्वर के उपासक हम आपके लिए भी हैं। परमेश्वर में तो ये गुण हैं और हमें ये प्रेरणा लेनी है, इन गुणों को हमें भी धारण करना है, यही इसका मुख्य भाव है। ये ग्रहण करें, इंद्रस्य यस्य सुमखं सहोमहि, देखिए इंद्रस्य इंद्र का, इंद्र हम जानते हैं, यदि इंद्र परमेश्वर रे धातु से इंद्र तत्व के निष्पत्ति है, इसका अर्थ है परम ऐश्वर्यवान या परमेश्वर, तो परम ऐश्वर्यवान यस्य जिसके सुमखं सुंदर मख को, मख मख धातु का अर्थ भी गति करना है, मख गत्यर्थक धातु, गति करना, जाना, चलना, इसका यही अर्थ है। तो सुमख सुमखम उत्तम गति को, सहो सामर्थ सहनशीलता, जी हाँ, सहनशीलता का अर्थ ये नहीं है कि हम सबकी अनुचित बातों को सहन करते रहे, यहां सहन शक्ति की बात है, हमें इतनी सामर्थ है कि हम दुख कष्ट भार को सहन कर सकते हैं, ये सामर्थ की बात है सहन करना, सहन करना दुर्बलता नहीं, सहन करना सबलता है, सामर्थ की बात है, सहन का अर्थ यही होता है सामर्थ होना। तो सहो मही, मही का अर्थ महान, महान सामर्थ वाले, उत्तम गति वाले, जिस इंद्र के उस महान उत्तम गति को, महान सामर्थ को, श्रवो श्रवणशील सुनने वाले, जो वाणी हम सुनते हैं, श्रवाह निरमणम निरे ले जाना, निरमणम ले जाने वाले, क्या और रोदसी रुदनशील
युगल रोदसी द्विवचन में आता है सामान्यता, तो हम करुणाशील बने, हम और आप मिलकर समाज में करुणा को जगाएं, लोगों के दुख से दुखी होना ये मनुष्यता का लक्षण है। कहीं सूक्त में कहा गया है कि यदि दूसरों के दुख को देखकर आप दुखी होते हैं, आपके हृदय में करुणा जगती है, तो ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाकर कोई भूल नहीं, आपको मनुष्य बनाया है तो इसीलिए कि दूसरों के दुख से हम दुखी हों, द्रवित हों, रुदन कर सकें, ये भावना हमें हो, हमारा मन हमारा हृदय दूसरों के दुख में रुदन करे। अपने दुख में तो सभी रोते हैं। तो रोदसी सपर यतः पूजन करते हैं, सपर धातु का अर्थ है पूजन करना, पूजन का अर्थ सेवा करना, सत्कार करना, सम्मान करना, ये स्पष्ट है। तो इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आपका जो भी प्रश्न चर्चा हो कर सकते हैं, पुलकित जी जैसा होती समझे, प्रश्नोत्तर पाठ या मंत्र व्याख्या जो उचित समझे पुलकित जी देखें। स्वामी जी भाई? जी स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हमारी उपासना की विधि एक होनी चाहिए सबकी? देखिए उपासना का अर्थ है निकट बैठना, उप का अर्थ है समीप, निकट और आस बैठना या अस होना। उपासना का अर्थ है निकट होना, निकट बैठना। आप हमारे निकट बैठेंगे तो हमारे गुण कर्म स्वभाव से परिचित होंगे, हम आप निकट बैठेंगे तो एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव से परिचित होंगे और उसे ग्रहण करेंगे। इसे कहते हैं उपासना। जो आपने कहा विधि एक सी होनी चाहिए, तो वह उपासना नहीं है, वह तो कर्मकांड है, आडंबर है, कहने दीजिए मुझे। किसी एक व्यक्ति ने, कितना भी महान क्यों ना हो, उसने कोई एक विधि एक कर्मकांड बता दिया कि आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, दाएं हाथ से ये करो, बाएं हाथ से ये करो, ये करते समय ये शब्द बोलो, ये करते समय ये शब्द बोलो, और इस बदी बधाई लीक पर कर्मकांड पर कह सकते हैं इस ये लकीर आप पीट रहे हैं, उस तथा कथित कर्मकांड का निर्वाह कर रहे हैं, ये उपासना नहीं है, कर्मकांड है। हाँ, इस कर्मकांड की अपनी उपयोगिता, अपने लाभ हो सकते हैं, वे अलग विषय है। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ करना कोई अपराध है, कोई अनुचित बात है। आपको धर्म कर्म अध्यात्म की ओर जोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए ये कुछ प्रविधियां होती हैं। एक बालक, वह चाहे आयु में बालक हो या आयु की दृष्टि से वयोवृद्ध होकर भी अध्यात्म की दृष्टि से अभी सैसव बाल्यावस्था में हो, उसे इस तरह लाने के लिए कुछ इस प्रकार के प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं, जिन महापुरुषों ने, विद्वानों ने बनाया है, कुछ अच्छा ही सोचकर बनाया। तो सामूहिक रूप से जब हम लोग बैठते हैं तो ऐसे कुछ प्रक्रिया का पालन कर लेते हैं, एक प्रेरणा मिलती है, कुछ नए लोग वहां होते हैं जो उस स्तर पर पहुंचे हुए नहीं होते हैं, जो उपासना के उस उच्च अवस्था को नहीं जानते समझते हैं, तो उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई, इस तरफ उनका कुछ मन लगता है, कुछ देखा, सब लोग एक साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा लगा, कुछ रुचि जगी, भाई हम भी सीखेंगे, हम भी करेंगे, आगे से आएंगे। अब सबको करते देख रहे हैं तो वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे ऐसे ही सीखते हैं। और इसी प्रकार से खासे कबूतर खासे खरगोश पढ़ते पढ़ते एक दिन वो विद्वान बन जाते हैं। तो उस प्रक्रिया की इतनी उपयोगिता तो हो सकती है, पर मुझे कहना कि जीवन भर हमें केवल वो लकीर ही पीटते रहना है,
तो उस कर्मकांड की अपनी उपयोगिता है सामाजिक, उसका सदुपयोग तो है, परंतु उपासना अलग है, उसे हम उपासना नहीं कह सकते। उपासना की दिशा में आपको मोड़ने का एक साधन, एक प्रयास तो हो सकता है, परंतु वह उपासना नहीं है। उपासना की तैयारी है, उपासना को सीखने समझने का एक प्रारंभिक चरण हो सकता है। स्वामी जी, मतलब यदि हम चाहें कि हमको जो वेद मंत्र से उपासना करना है, हम कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जी हाँ, जिसे संध्या कहा गया है, जिसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया है, उसका सीधा सा अर्थ केवल वेद पाठ, वेद स्वाध्याय करना है। ये सभी जानते मानते हैं, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है कि मैं कोई अलग बात बता रहा हूं और कोई विद्वान आपको कोई अलग बात बताए। सिद्धांत रूप में ब्रह्म यज्ञ संध्या का एक और केवल एक अर्थ है, वेद पाठ और वेद स्वाध्याय करना। अब व्यवहारिक दृष्टि से हमें इस प्रकार के संध्या के कुछ विधिविधान बनाने पड़ते हैं, मैं कह रहा हूं बनाने पड़ते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। क्यों? अब प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक के घर में ये संपूर्ण वेद तो है नहीं, संभवतः कभी रहे भी नहीं होंगे, कभी हो पाएंगे ये संभव है, ये आशा रखनी चाहिए कि कभी ऐसा समय भी आएगा जब सभी घरों में सभी के पास संपूर्ण वेद होगा, आप आशा रख सकते हैं। पहले न कभी थे न अभी हैं, भविष्य में होंगे ये आशा रखिए, अच्छी बात है। तो यदि केवल इतनी सी बात बता दी जाए कि सबको वेद पाठ स्वाध्याय करना है, तो मेरे पास तो वेद है ही नहीं, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, न इतनी रुचि है, ना सामर्थ्य है, धन भी चाहिए, समय भी चाहिए, उतना बुद्धि विवेक जानकारी भी चाहिए, तब तो उसका पाठ स्वाध्याय करेंगे। तो क्या करें? कोई सरल सी विधि बता दी गई, जिसे आप कह सकते हैं लकीर पीटने वाला कर्मकांड, कि चल भाई तू इतना ही कर लिया कर। कुछ मंत्र बता दिए गए वेद के और बताया भाई इसको ऐसे 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 कर लिया, तो कुछ तो अभ्यास हुआ, किसी ने कहा भैया यही एक मंत्र पढ़ लिया करो, ये एक मंत्र है, एक गायत्री मंत्र या कोई मंत्र दे दिया, इसी को तुम 5 मिनट 10 मिनट एक माला जप लिया करो। भाई एक मंत्र तो बोलकर सिखाया जा सकता है, कोई पुस्तक है नहीं है, कोई बात नहीं, प्रतिदिन बोलते बोलते एक ओम मंत्र तो हम सबको कंठस्थ हो गया लगभग, इसको तो बिना देखे हम सभी लोग एक ओम मंत्र बोल लेते हैं, ठीक है, नहीं पुस्तक है तो नहीं सही। आप यही एक मंत्र 5, 7, 11 बार बोल लें और मान लें कि आपके एक प्रतीकात्मक संध्या उपासना प्रमेय हो गया, प्रतीकात्मक हो गया, कहीं यात्रा में है, कहीं है, पुस्तक नहीं है, वेद तो क्या वेदायन भी नहीं है, एक मंत्र तो कंठस्थ है, अपने मन में इसी को 5, 7, 11 बार आपने दोहरा लिया, तो आपका क्रम बना रह गया। जब हमें अवसर मिलेगा तो हम वेदायन पाठ करेंगे, वेदायन कर लेंगे, ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है तो हम संपूर्ण वेद पाठ करेंगे क्रमशः, प्रतिदिन एक सूक्त भी करते रहेंगे तो कभी तो एक वेद या चारों वेद जीवन में पूरे होंगे, ये प्रयास होना चाहिए। तो इस भाव से हम लोग इस ब्रह्म यज्ञ संध्या उपासना को करने का प्रयास करें। आज आपके प्रश्न से प्रसंग वश ब्रह्म यज्ञ संध्या उपासना की बहुत अच्छी प्रस्तुति हो गई है, तो इसको जैसा कि आप लोग करते हैं इसे प्रचारित कर भी सकते हैं, अच्छी बात है। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। ब्रह्म क्या कोमलता से लेना पड़ेगा? जी जो इसमें शब्द आया नृम्णम, सहो मही स्रवो नृम्णम च रोदसी सपर्यतः, लगभग चौथा चरण है ये।
नि धातु का अर्थ है ले जाना, इसी से नर नारी जैसे शब्द भी बनते हैं। तो नृ धातु से हमने इसका अर्थ निर्मणम का ले जाने वाला ले लिया है, नर मार्गदर्शक आदि ले सकते हैं, और यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य रूप में कोई और अर्थ लेना चाहे तो ले सकता है। अब नर्म कोमल कैसे ले लेंगे, नर्म शब्द हमारे यहाँ अपना है भी कि नहीं, ये वैदिक संस्कृत भाषा में कहीं है भी कि नहीं, तो विचार नहीं है। यदि हो सकता है किस धातु से कैसे बनाएंगे तो बना सकते हैं, वो अलग विषय है। कोमल इसका अर्थ करेंगे तो कैसे करेंगे वो लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता, मैं जो कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। यदि कोई उचित आधार देता है किस धातु से हमने इसका ये अर्थ किया है तो उसका स्वागत है और हमें मान्य है, हम निरंतर यही बात कह रहे हैं। तो जी और किसी को कुछ कहना है तो बताएं, अन्यथा समापन करें। उनकी जी कुछ करना चाहें तो स्वामी जी, स्वामी जी ये मूर्ति पूजा यदि वैदिक नहीं है तो लेकिन विरुद्ध भी नहीं है, क्या ये बात सही है? हमें ऐसे विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैंने कहा, यदि उसको इतने तक मानकर चलें कि बच्चों का खिलौना है, बड़े होंगे तो छूट जाएगा, तो धर्म अध्याप की ओर मोड़ने का एक माध्यम हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा विभिन्न कर्मकांड है, वो भी है। पुरुष सूक्त से मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करते हैं तो एक प्रकार से प्रशिक्षण हो सकता है कि मूर्ति रख ली तो उसको कैसे पूजन करें। एक व्यक्ति है, मूर्ति है, तो बच्चों को आप सिखा रहे हैं, कोई अतिथि आपके घर में आएगा तो उसका सेवा सत्कार आपको ऐसे करना है, उसके पैर धुलाने हैं, उसको बस देना है, जल देना है, भोजन कराना है आदि आदि, तो एक प्रशिक्षण का माध्यम तो हो सकता है। लेकिन यदि मान लें कि बस वही करने से ही सारा धर्म कर्म संपन्न हो गया और हमको स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो ये भ्रम है, उसे दूर भी करना चाहिए। हम यही कह सकते हैं कि हम बहुत इसमें जड़ नहीं है, कट्टर नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो लोगों को जानना समझना तो चाहिए ही कि मूर्त पूजा हो या कोई कर्मकांड हो, मैंने भी आपको बताया, चाहे वो ब्रह्मजी संध्या के नाम पर ही कोई कर्मकांड बता दिया गया हो, कोई देव यज्ञ के नाम पर हवन कुंड कोई कर्मकांड बता दिया गया हो, उनकी अपनी सीमित उपयोगिता है, परंतु वही अपने आप में परम धर्म नहीं है, ये हमें जानना चाहिए। वो मूर्त पूजा हो या हवन हो, हवन कुंड हो, कुछ भी हो, हमें उनके उपयोगिता और सीमाएं समझनी चाहिए। मुख्य तो वही है कि वेद पाठ स्वाध्याय करें, यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, यही ब्रह्म यज्ञ संध्या है जो सर्वोपरि है, प्रथम यज्ञ उसी को कहा गया है, वो हमें करना ही चाहिए। और जो कोई कर रहा है तो उससे हमें कोई अनावश्यक विरोध विवाद नहीं करना चाहिए, ये हम अवश्य कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, वेद विभाग ग्रुप में एक चर्चा चल रही है, वे डॉक्टर रामनाथ पांडे हैं और एक दूसरे सज्जन हैं, तोड़गड़े करके नाम से, अभिजीत तोड़गड़े, उन्होंने कुछ शूद्र के संबंध में पूछा है जिसका वो उत्तर नहीं दे रहे, बल्कि बोल रहे मैं रिमूव हो रहा हूँ। तो ये तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि वो किसी की बात अड़े हुए, वो उनसे शास्त्रीय की बात कर रहे हैं, वैदिक बात कर रहे हैं, उसका उत्तर ना देख करके वहां पर अपने जातीता में फंसे हुए हैं, इसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, सबके अपने पूर्वाग्रह हैं, भ्रम हैं, लोग अपने पूर्वाग्रहों में भ्रमों में जी रहे हैं। हम इतना ही कह सकते हैं यदि हमसे कोई जानना चाहे तो जो उचित सही जानकारी सत्य जानकारी हमारे पास है वो हम प्रस्तुत कर देंगे। अब उसे मानना अपनाना उसकी इच्छा पर है, माने न माने, अपनाए ना अपनाए, हम किसी पर थोप तो सकते नहीं, कोई नहीं मानना चाहता है, ना माने, अपने भ्रम में जीता रहे, क्या कर सकते हैं। हम उसको बता देंगे, भाई हमसे पूछेगा भाई शूद्र क्या है, हम कह देंगे भाई शूद्र शब्द शुच पवित्र करने अर्थ वाली धातु से बना है, तो शूद्र शब्द का हो गया अर्थ,
शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला, जो शुद्ध है पवित्र है, लोगों को शुद्ध पवित्र करे, हम उसे शूद्र कहते हैं। वैदिक अर्थ में तो हम यही कहेंगे, हम बता देंगे, वो माने ना माने, उसकी इच्छा अपनाए ना अपनाए, उसकी इच्छा, वो उसकी पास जो भी जानकारी है इसके पक्ष विपक्ष में, उस पर अड़ा रहे, उसकी इच्छा, हम क्या कर सकते हैं। तो हमें विवाद नहीं करना होता है, कोई जानना चाहता है तो एक बार बता देते हैं, आगे आपकी इच्छा है, मानो ना मानो, जाओ, है ना। ओम। हाँ, क्योंकि मैंने उन सज्जन से बात की तो पता चला कि वो पुणे में संस्कृत के ही शिक्षक हैं। तब फिर उनको मैंने कहा कि भाई जब आप संस्कृत शिक्षक हैं तो ये तो बड़ी स्पष्ट बात है कि ब्राह्मण शब्द जो है बृह धातु से बना है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, जिसका अर्थ होता बढ़ना बढ़ाने वाला, मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। तो ये जो वर्ग है ये बढ़ा हुआ था, इसको दूसरों को बढ़ाना था, लेकिन ये दूसरों को बढ़ाने के बजाय दूसरे के दमन करने में जुट गया। इस वजह से हमारे समाज के अंदर तमाम सारी विसंगतियां पैदा हो गई और जो अनेक अनेक लोग आक्रांताओं को हमारे यहाँ घुसने का मौका भी मिला, वो इसी फूट की वजह से मिला है, ऐसा मैंने उनको दिया है। बाकी शूद्र भी जो है हमारे समाज के अंग है, हम में से कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक साथ एकजुट सारे के सारे सनातनी, ऐसा मेरा अपना मत उनको संतुष्ट कर सका। क्या ये ठीक था? बिल्कुल ठीक है, आपने सही बात कही, जो हम लोग कहते हैं वैदिक मत यही है, आपने बिल्कुल सही कहा, स्वागत है, अति उत्तम। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। तो और किसी को कुछ कहना है तो रखें, अन्यथा गुरुकिल जी कोमल जी समापन करें। हाँ गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि यहाँ पे जो रोदशी है इसका तो सकारात्मक अर्थ लिया गया है, लेकिन समाज में रोना एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है, अगर कोई किसी दूसरे के दुख में भी रोता है तो उसे कमजोर माना जाता है, तो मुझे ये जानना था कि रोना कहाँ पर कमजोरी की निशानी है एक्चुअली। देखिए रोना कमजोरी, जिसे कहते हैं निर्बलता, दुर्बलता हमारी तब बन जाती है जब हम विचारहीन हो, कुछ सोच विचार न सके, मैं कहीं देखा अपना दुख दूसरे का दुख, रो पड़े कर कुछ नहीं सकते, करना धरना कुछ नहीं है, और चिल्लाने रोने लगे तो कह सकते हैं वातावरण और भी बिगड़ा, लाभ कुछ नहीं हुआ। यहां रुदन को हम लोगों ने सकारात्मक अर्थ में इसी रूप में लिया है कि जो दूसरे के दुख में आंसू ले आता है वो करुणाशील उत्तम मनुष्य है, उसमें यह अपेक्षा है कि दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास किया जाए, सहानुभूति सहयोग सेवा की भावना जहां है। वो कहते हैं किसी को हमने दुख देखा, दुखी देखा, उसके दुख से हम भी दुखी हो गए और हमने उसके दुख को दूर करने का प्रयास किया, ये सकारात्मक अर्थ में रोदसी हमने वेद में दिया है। रोदसी शब्द वेद में बहुत आता, इसका कुछ लोग अन्य अर्थ भी काल्पनिक या जो भी कह लीजिए कहीं अन्यत्र से करना चाहते हैं, तो हमारा तो धातु अर्थ का तरीका है, तो हम तो यही अर्थ करेंगे। तो इतना दुर्बल न बनने दे कि जरा सा हम पे कष्ट आया और हम केवल रोने चिल्लाने लगे, वो अपने अर्थ में अधिक कह सकते हैं कि हमें जरा सा कोई कष्ट हुआ और हम रोने चिल्लाने लगे और विवेक हमारा समाप्त हो गया कि इस कष्ट से कैसे पार पाएंगे, कैसे क्या होगा, तो वो सोच विचार नहीं कर सके और एक प्रकार से रोने चिल्लाने में आ गए, वो हमारी दुर्बलता का प्रतीक है कि जरा से दुख में कष्ट में हम रो पड़े। और वो धैर्य की बात है कि हम बड़े से बड़े कष्ट को विवेक पूर्वक सामना कर सके और देखे भाई ये कष्ट दुख आया है तो ये कैसे जाएगा, उसके लिए हम धैर्य पूर्वक विवेकशील होकर विचार करें और उसका उपाय करें, ये अपने लिए होना चाहिए। और दूसरे के दुख में दुखी होना ये मानवता का लक्षण है, वो एक बात है, यही हमने कहने का प्रयास किया है, यदि आप लोग समझ सके। नहीं गुरु जी, धन्यवाद। तो अब समापन करें। जी ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम कम्रम ओम
कम ब्रह्म, सभी को नमस्ते। ओम असो आदित्ये परसः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते ओम खं ब्रह्म। कल सायंकाल 7:30 बजे स्वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति ओम नमस्ते ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं। ओम नमस्ते सभी साथियों को शुभ रात्रि।